आखिर में क्यों? इस दुनिया में सबसे पहले आंखें खुली तो पहली हंसी और खुशी थी उसकी आंखों में। फिर जब कोख में लेने के लिए तड़पता रहा, कोई ना आया पास उसके, आखिर में क्यों? इस दुनिया में सबसे पहले उंगली थामकर चलना सिखाया उसने हमें। फिर जब उसे हमारी उंगली की जरूरत आई, कोई ना थामा उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया को समझाया उसी ने हमें। फिर जब उसे समझने की बारी आई, कोई ना समझा उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में 100 गलती ना 1000 गलतियों को माफ किया उसी ने हमें। फिर जब उसके 1 गलती को माफ करने की बारी आई, कोई ना माफ किया उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वही इंसान करता है हमसे, पर कभी जता नहीं पाया। फिर जब उसने कभी उसके प्यार को जताना चाहा, कोई ना था करीब उसके, आखिर में क्यों? इस दुनिया में हमने सबको आई लव यू कहा, गले लगाया। फिर जब उसकी बारी आई आई लव यू सुनने को, गले लगने को, कोई ना कहा ना गले लगाया उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया की सारी जमा पूंजी उसने लुटा दी हम पे, हमारी खुशियों के खातिर। फिर जब उसे कुछ चंद पैसों की जरूरत आई, कोई ना दिया उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में हमें 3 वक्त के निवाला देकर सबसे ज्यादा रात को भूखा सोया ये इंसान। फिर जब उसे 1 वक्त के निवाले का जरूरत आई, कोई ना खिलाया उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में आखिर तक हक जताते रहे हम उस पे। फिर जब उसकी बारी आई हक जताने की हम पे, कोई ना दिया हक उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में हमारी पहचान दिलाया उसने। फिर जब उसे पहचान की जरूरत आई, कोई ना दिया परिचय उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में अपनी दोनों हाथों से सबारा हमें उसने। फिर जब उसे अपनी आखिरी सांस के बाद एक कंधे की जरूरत आई, कोई ना दिया कंधा उसे, आखिर में क्यों? इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी लिखा हमारी किस्मत में ये इंसान। फिर जब उसके थोड़ी सी खुशी की बारी आई, कोई ना दिया उसे, आखिर में क्यों? आखिर में क्यों? ए दुनिया, बता अब मुझे तू, क्या गलती था इस इंसान का? क्या हंसना इसका गलती था, या फिर हमें चलना सिखाना इसका गलती था? क्या दुनिया को समझाना इसका गलती था, या फिर हमारी गलतियों को माफ करना इसका गलती था? क्या हमसे प्यार करना इसका गलती था, या फिर हम पे इसका प्यार जताना गलत था? क्या हम पर उसका सारी जमा पूंजी लुटा देना गलती था, या फिर हमें 3 वक्त का खाना खिलाना इसका गलती था? क्या उसका हक जताना गलती था, या फिर हमें पहचान दिलाना इसका गलती था? क्या हमें सवारना इसका गलती था, या फिर हमारी खुशियां लिखना इसका गलती था? आखिर में क्यों? ये इंसान अकेला घुट घुट के दम तोड़ देता है, मगर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता है, आखिर में क्यों? तो शायद आप सभी को मेरे राइटिंग से पता चल गया है कि ये इंसान कौन है। तो ये इंसान वही शख्स है जो कि हमारी पैदा होने पे सबसे ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके आखिरी वक्त पर हम उसके साथ नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, मैं हमारे पापा के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये इंसान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके आखिरी वक्त पर आजकल हम उन्हें बिल्कुल भी वक्त ना दे पाते हैं, ना उन्हें समझ पाते हैं। जो कि हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है थोड़ी सी खुशी की, थोड़ी सी जरूरत की अपने पास पर, हम उन्हें वो टाइम नहीं दे पाते हैं, ना उन्हें वक्त दे पाते हैं। तो क्या ये गलती उनकी है? नहीं ना। तो फिर तो अभी समझना हमको है और समझाना भी हमको है।